त्योहार का दिन है, आज पोला है और महिलाएं खास तौर से बेटियां मायके जाएंगी और हर्षोल्लास से फिर तीजा मनाएंगी, तो सबसे पहले प्रदेश में सबको उसकी शुभकामनाएं। इस देश की बेटी हूं और कई बार अपने आप से यह सवाल पूछती हूं, ये देश किसका है? क्या यह देश आधी आबादी का है? क्या इस देश में औरतों का कोई हक है? क्या इस देश में खेत में काम करने वाली अनपढ़ मजदूर, स्कूल की नाबालिग बच्ची, दफ्तर में काम करने वाली महिला, बस में चढ़ने वाली गृहिणी और यहां तक कि अस्पताल तक में कार्यरत एक डॉक्टर सुरक्षित है? और दुख के साथ कहती हूं, त्योहार का हर्ष, त्योहार का उल्लास एक तरफ, ऐसा प्रतीत होता है कि आधी आबादी के लिए, औरतों के लिए इस देश में कोई जगह ही नहीं बची है। आज पूरा देश आक्रोशित है, आज पूरा देश आंदोलित है और होना भी चाहिए। जिस तरह की जघन्य घटना बंगाल में हुई, जो विभत्स तस्वीरें सामने आई, जो हैवानियत और दरिंदगी हमने देखी, वाकई में रूह कांप जाती है। लेकिन मैं उसे निर्भया टू नहीं बुलाती हूं। कितनी निर्भया चाहिए इस देश को? कितनी निर्भयाओं की कुर्बानी होगी जब यह देश जागेगा, जब सत्ता का संरक्षण खत्म होगा? मैं सिहर उठती हूं जब मैं बदलापुर के बारे में पढ़ती हूं। मैं वहां गई, दो छोटी 4 साल की बच्चियों का यौन शोषण और उस पर लीपापोती की कोशिश, और इससे छूटा आपका छत्तीसगढ़ भी नहीं है। चाहे वो रायपुर के बस स्टेशन पर सामूहिक बलात्कार का मामला हो, चाहे वो भिलाई के डीपीएस स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला हो, चाहे वो रायगढ़ के पुसौर में एक आदिवासी महिला के साथ 14 लोगों के दुष्कर्म का मामला हो, चाहे वो फिर से जशपुर में एक पॉक्सो का नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार किया गया हो, कोंडा गांव में एक महिला की के साथ जो दुष्कर्म किए गए, सामूहिक दुष्कर्म, छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। किसी भी महिला के खिलाफ उत्पीड़न, उसका शोषण, उसके खिलाफ बलात्कार का मामला पूरे आधी आबादी के खिलाफ का मामला है। और यह सभ्य समाज पर धब्बा है, आप लोगों पर धब्बा है, पुरुषों तक पर धब्बा है। धब्बा इसलिए क्योंकि आपके घर में बेटियां हैं, बहन है, पत्नी है, मां है।